तो फ्रेंड्स, आज हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर नया वीडियो है। हमने मार्कशीट का बहुत कुछ मैंने आपको समझाया था कि मार्कशीट किस तरह से बनाई जाती है और मार्कशीट के अंदर मैंने अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कुछ डेटास वगैरह बताए थे मैंने आपको। ओके, आज हम जो पढ़ने वाले हैं मार्कशीट के बाद, मैंने कहा था कि चार्ट किस तरह से बनाना है, तो उससे पहले मैंने बहुत वीडियो बनाकर रखी हुई है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग और भी बहुत कुछ मैंने अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मैंने बनाकर रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, बेसिकली और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ये हमारा और एक नया वीडियो है यहाँ पर, देख सकते हैं यहाँ पर। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर की माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आप देख सकते हो कि मैंने इंसर्ट के अंदर चार्ट बनाने की बात की थी। तो चार्ट बनाने से पहले हम एंटर करते हैं कुछ, तो लिखते हैं आइटम। ओके, पहले हमें डेटा एंटर करना होगा। तो आप स्टूडेंट की मार्कशीट के ऊपर से भी बना सकते हो, जैसे कितने पास हुए, कितने फेल हुए, उस तरह से भी आप चार्ट बना सकते हो। ओके, और इसको यहाँ पर ले लेता हूँ। ओके, यहाँ पर और नंबर, फिर मैं एंटर करता हूँ 1, 2। मैं से 10 चीजें ही लूंगा यहाँ पर, जैसे कि 1, 2, 3। ओके, मैं एंटर के लिए कर दिया मैंने। ओके, 9, 10। ओके, मैं लिखता हूँ बनाना मैंगो, फिर चेरी, फिर ग्रेप्स, फिर हम लिखते हैं ऑरेंज, फिर लिखते हैं हम एप्पल, फिर हम लिखते हैं पाइन एप्पल, ओके, मैं थोड़ा सा इसको यू कर लेता हूँ। ओके, पाइन एप्पल लिखा हमने, फिर हम लिखते हैं जैसे कि हम लिखते कुछ और इसके साथ लिखते हैं, जैसे कि वाटर लेमन, वाटर लेमन लिखते हैं। ओके, फिर हम लिखते हैं जैसे कि हम और कुछ लिख सकते, जैसे कि स्ट्रॉबेरी, और लिखते हैं जैसे कि शुगर कैन, ओके, मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ और पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ, क्योंकि हमें
एंटर करके सेव करूँगा, मैं सेलेक्ट करूँगा कि कहाँ पर मुझे सेव करना है। यहाँ पर बुक वन लिखा हुआ है, इसकी जगह पे मैं लिखता हूँ चार्ट। ओके, अब हमने लिखा केजी के अंदर, किलोग्राम के अंदर। ओके, 5 किलोग्राम, 8 किलोग्राम, 9, 10, फिर लिखते हैं और 15, लिखते हैं 42, फिर लिखते हैं 12, फिर लिखते हैं 2, 5, फिर लिखते हैं 23, और फिर लिखते हैं 7। तो ये पहले हम इसको अच्छी तरह से सेट कर लेते हैं। ये चीज़ हो गई हमारी यहाँ तक, और इसको भी बोल्ड कर लेते हैं, इसको भी सेंटर में ले लेते हैं। इनका थोड़ा सा कुछ हम जो है वही रखूंगा मैं, थोड़ा सा हम किलोग्राम्स वगैरह लिखा हुआ है येलो, और ओके अब लिखते हैं अब RS मतलब रुपीस। ओके, तो पर किलोग्राम के 12। ओके, मैं लिखता हूँ यहाँ पर केजी, पी या मैं लिख मेंशन कर लेता हूँ पर केजी पर किलोग्राम, दैट मीन्स पर केजी। ओके, बारह रुपीस, और मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पर करंसी के अंदर। तो पहले हम इसको लिख लेते 42, 23, 52, 20, 25, 24, 10, 22, 10। ओके, और यहाँ पर 7। ओके, इस तरह से मैं लिखता हूँ टोटल टोटल। ओके, हमने डेटा एंटर कर लिया। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से ये हमारा चार्ट काम करता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आप सोशल कॉलेज एंड एंटरटेनमेंट लिखोगे तो इस तरह से मेरा चैनल आ जाएगा। इस पर क्लिक करने से आप मेरे चैनल के ऊपर पहुँच जाओगे। अगर आप मोबाइल यूज़ करते हो, यूट्यूब पर आप लिखोगे तो आपको इस तरह से लिखना है। और बहुत मैंने प्ले लिस्ट के अंदर मैंने अलग अलग कोर्सेस बना कर रखे हुए, तो आपको बेसिक नॉलेज पहले स्टार्ट कीजिए, उसके बाद ही ये अलग अलग डिफरेंट कोर्सेस को ज्वाइन कीजिए। तो मेरी सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है यहाँ पर सोशल कॉलेज एंटरटेनमेंट चैनल। ये जो चैनल है मेरा, ये आपको फ्री में और एडवांस लेवल पर सिखाने के लिए बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितने भी हमारे नए नए वीडियो होते हैं, तो अगर आपको नई नोटिफिकेशन मिले, आपको पता चले कि नई वीडियो कौन सी आई है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको नया और साइट पर बेल आइकॉन होता है इसके ऊपर क्लिक कीजिए, तो इससे आपको पता चलेगा कि नया वीडियो मेरा कौन सा है। तो चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि मेरे सामने एक डेटा है यहाँ पर। इस डेटा के अंदर इस तरह से
कुछ एंटर करेंगे और टोटल में और मिलते हैं कि यहाँ पर हम एंटर करते इस तरह से कुछ, और यहाँ पर भी हम कुछ इस तरह से कुछ एंटर करते हैं, तो यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर कुछ इस तरह से एंटर करेंगे। ओके, तो हमें बात करनी है, हमें बेसिकली हम इस हमारे डेटा की, तो टोटल है यहाँ पर। ओके, ध्यान से देखो कि मैं यहाँ पर समझाता हूँ कि 1 किलो है। ओके, और उसका ₹2 है तो कितना हुआ, 2 हुए। अगर 2 किलो है, यहाँ पर केजी है, यहाँ पर समझ लो कि केजी है, यहाँ पर 1 किलोग्राम, और उसका 1 किलो का रुपीस है यहाँ पर। ओके, तो 2 रुपये का, 2 किलो का यहाँ पर 5 किलो है, तो टोटल कितना होगा, 10 होगा। ओके, क्योंकि 1 किलो का 5 होगा तो 2 किलो का कितने होंगे, 10 होंगे। उसी तरह से 5 किलो है और यहाँ पर उसका हर एक किलो का 4 रुपया है, तो कितना होगा, 20 रुपया होगा। तो उसी तरह से ये हमारा डेटा हमें टोटल करना है। तो यहाँ पर देखिए कि हम रुपीस की बात कर रहे हैं, तो पहले हम इसको रुपीस के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। तो करंसी है, जैसे तो ये रुपीस के अंदर आ चुका है यहाँ पर, और ये हमारा किलोग्राम है यहाँ पर। ओके, तो हम कुछ अगर यहाँ पर हमें कुछ हमें मिल जाता है अकॉर्डिंग शॉर्ट टाइम साइंटिफिक्स नहीं हो। ओके, तो मोड नंबर्स वगैरह जो है अलाइनमेंट फॉन्ट्स के साथ यहाँ पर अकाउंटिंग परसेंटेज साइन टेक्स फिशियल कस्टम हम इंटर करेंगे, और इसके पीछे में केजी लगाना है, तो क्या वो केजी आता है या नहीं। ओके, तो अभी तो नहीं है। ओके, यहाँ पर ये किलोग्राम तो है, हमें ऊपर लिखा हुआ था, वो लिखा हुआ है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम करेंगे इक्वल टू मल्टी, यहाँ पर हमें मल्टीपल हमें करना होगा, तो मल्टीपल करने के लिए हमें कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला हमारा जो इक्वल टू है किलोग्राम इन टू, ये हमें करना है। ओके, टोटल रुपीस कितने होते हैं, 60। उसी तरह से सब कुछ हमें इसको इस तरह से एंटर कर लेंगे। ओके, यहाँ पर देखिए कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है D3 और E8 के अंदर, D8 और E8 के अंदर, तो ये कुछ 42 वगैरह यहाँ पर कुछ है, तो यहाँ पर कुछ डैमेज हो, यहाँ पर कुछ हम एंटर करते हैं जैसे कि 44, तब भी कुछ इस सेल के अंदर प्रॉब्लम, हम 4 लगते हैं तो क्या होता है। ओके, तभी या, और हम लिखते हैं 10। ओके, तो ये कभी कभी, ओके ये चीज़ हो गई। अब हमें करना है टोटल, ये कितना टोटल के अंदर होगा यहाँ पर, तो टोटल यहाँ का हम जितना भी है, ये अभी टोटल कितने पैसे गए हैं हमारे सभी किलो के अंदर, इसका भी हम टोटल करेंगे। ओके, क्योंकि हम इसका भी टोटल हमें चाहिए, तो टोटल हम करते हैं, और कितने पर केजी पर कितने थे और किलोग्राम कितने थे, तो कुछ नहीं करेंगे, हम इक्वल टू करेंगे सम। ओके, इस तरह से करेंगे ओपन ब्रैकेट को, और इस तरह से हम सिलेक्ट कर लेंगे और फिर हम एंटर कर देंगे, तो 24 होता है यहाँ पर। ओके, कंप्लीट हो जाएगा, आप 24 ही मिलेगा आपको। उसी तरह से इसको मैं फॉर्मूला को यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ, देख सकते हो कि कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर, तो जो ब्लैक हुआ यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर सेंटर में एंटर किया यहाँ पर, और एंटर किया यहाँ पर। ओके,
ओके यहाँ पर इस तरह से एंटर मैंने किया है, रुपीज़ को ब्लॉक कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके यही चेंज, ये सेटअप हो चुका है यहाँ पर, और बीच में एंटर कर लिया तो ये कंप्लीट हो चुका है हमारा। अब हम जाते हैं इंसर्ट के अंदर, हम बनाते हैं चार्ट। चार्ट बनाने से आपको ध्यान में रखना होगा कि आपके पास ही पेस्टल कम्प्लीटली डेटा होना चाहिए। ओके आप सिंपल से डेटा करोगे तो भी चलेगा, टोटल करोगे या नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन कोई ना कोई आपका दो तीन डेटा होना चाहिए जो शो करे आपको। तो यहाँ पर चार्ट रिकमेंडेंट के ऊपर क्लिक करोगे तो रिकमेंडेंट जो करता है वो आप एंटर कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ अलग सा चार्ट 3D कॉलम वाला लूँगा। 3D कॉलम वाला तो मैंने ले लिया चार्ट, लेकिन यहाँ पर देख सकते कि कुछ हमें कह रहा है कि कलर्स वगैरह, लेकिन वो चार्ट बता नहीं रहा, क्यों नहीं बता रहा, इसका कुछ रीज़न है। तो चार्ट बनाने से पहले हम इसको कुछ थोड़ा सा सिलेक्ट कर लेता हूँ और कुछ एंटर कर लेते हैं। देख सकते कि यहाँ पर चार्ट वगैरह यहाँ पर आ रहा है यहाँ पर। ओके यहाँ पर कुछ बता रहा है यहाँ पर। ओके तो 3D एंटर कर लेते हैं यहाँ पर, और हमें एक्सेस एक्सिस स्टाइल डेटा लेबर्स बहुत कुछ हमें मिल रहा है यहाँ पर। ओके चार्ट टाइटल बता रहा है यहाँ पर। ओके ये चीज़ बहुत आपको मिलेगी यहाँ पर, तो हम इसको चार्ट यहाँ पर। ओके और जो भी हमने डेटा एंटर किया या तो फिर आप इस तरह से डायरेक्ट करने जाओगे तो नहीं होगा। हम पहले इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, इंसर्ट करते हैं और चार्ट पर क्लिक करते हैं। देख सकते हैं कि मेरे सामने आ रहा है यहाँ पर, क्या आ रहा है यहाँ पर, हमारा डेटा आ रहा है यहाँ पर, ध्यान से देखिए। और यहाँ पर देख सकते हैं कि और भी कुछ हमें मिल रहा है यहाँ पर, सेकंड थर्ड वगैरह जो आपको मिल रहा है, तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो कि मुझे 3D या तो फिर इस तरह से, आप इस तरह से चार्ट ले सकते हो यहाँ पर। ओके लेकिन मुझे चार्ट चाहिए यहाँ पर एडजस्टमेंट करना है, जैसे कि यहाँ पर ये जो है इस तरह से आप सिलेक्ट करके आप एंटर कर सकते हो। 0% टोटल वगैरह देख सकते हो कि यहाँ पर टोटल बता रहा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर किस तरह से आपको चार्ट सेलेक्ट करना है, हमें टोटल का नहीं चाहिए, हमें जो चाहिए इसका चाहिए। ओके तो जैसे मैं चार्ट पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर, तो देख सकते हो कि यहाँ पर मैंगो, यहाँ पर देख सकते हो शुगर कैन वगैरह, इस तरह से भी आपको मिलेगा, फिर इस तरह से भी आपको मिलेगा, फिर इस तरह से भी आपको मिलेगा। ज़्यादातर मुझे ये यही ठीक लगा, जैसे कि देख सकते हो कि यहाँ पर सिलेक्ट किया मैंने, और चार्ट टाइटल वगैरह यहाँ पर देख सकते हो, कुछ और भी आपको मिलेगा। ओके ये चार्ट मैंने एंटर किया, इसके अंदर फिल्टर भी एंटर कर सकते हो, सीरीज 1 2 निकालना है तो निकाल सकते हो आप। तो मैंने कैटेगरी सेलेक्ट कर लिया सुगन केन वगैरह यहाँ पर। ओके नेम्स वगैरह देख सकते हो यहाँ पर, कॉलम और एंटर करना है नॉन मीन्स नॉन हो जाएगा, अप्लाई करूँगा तो 1 2 3 4 5 इस तरह से नंबर आ जाएगा, लेकिन आपको ये कॉलम के अनुसार करना है तो आप सिलेक्ट करो अप्लाई करो। ओके यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ टेक्स एक्सिस डेट एक्सिस ऑटोमेटिक वगैरह बहुत कुछ आपको मिलेगा, कलर से फिल करना है आपको तो ग्रिड फिल। ओके ये ग्रिड फिल जो है यहाँ पर टेक्स की है, सॉलिड फिल है, कुछ पिक्चर टेक्सेस वगैरह यहाँ पर होता है, कुछ इस तरह से फिल होती है, तो ग्रिड फिल अच्छी रहेगी। और इसका यहाँ पर देख सकते हो कि वर्टिकल रखना है, मिडल रखना है, हॉरिजॉन्टल रखना है, वो आप अपने तरीके से रख सकते हो। यहाँ पर टॉप रखना है, मिडल रखना है, बॉटम रखना है, ये एंटर कर सकते हो। प्लस 3D फॉर्मेट जो है वो किस तरह से होना चाहिए, ओके ये चीज़ एंटर आप कर सकते हो। फिर लेबल्स नंबर्स वगैरह लेबल्स दे सकते हो यहाँ पर, और बहुत कुछ आपको मिलेगा। ओके ये चीज़ें आपके सामने हैं, और कुछ ये भी आपको मिलेगा,
इसको हम निकाल लेते हैं। और यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो है उसकी रेट है यहाँ पर, ओके ये जो 5 सकते यहाँ पर ये हमारे चार्ट के सामने है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपने चार्ट एंटर कर सकते हो। लेकिन अभी ये चार्ट आधा अधूरा है, क्यों? क्योंकि हमने मेंशन नहीं किया किलोग्राम कितना है। तो पहले हम इसको अच्छी तरह से मेंटेन कर दें। मेंटेन करने के लिए प्लस का साइन लिखा है यहाँ पे, एक्सिस टाइटल डेट वगैरह बहुत कुछ आपको मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते कि सीरीज 1, 2, 3 यहाँ पर ये सब कुछ मिला है। यहाँ पर सीरीज 1 के अंदर लिखा है कि देख सकते कि यहाँ पर 36 इस तरह से आप एंटर करोगे डेटा टेबल लिख सकते हो यहाँ पर, और लेजेंड यहाँ पर देख सकते कि यहाँ पर सीरीज 1। तो सीरीज 1 की जगह हम लिखेंगे कुछ और भी लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि टेक्स्ट ऑप्शंस के अंदर और ओके यहाँ पर सीरीज 1 की जगह हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर KG के अंदर लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड है, ओके यहाँ पर इसको रिसेट में स्टाइल कर सकते हैं, चेंज सीरीज टाइप चार्ट टाइप, तो चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं यहाँ पर। सीरीज की जगह हम लिखते हैं यहाँ पर और भी कुछ लिख सकते हैं यहाँ पर, तो फिर इसके अंदर और भी कुछ एंटर करते हैं यहाँ पर इस तरह से, तो बहुत कुछ आपको ये चार्ट मिल जाएगा यहाँ पर, ओके। तो इस तरह से मैनेज करते हैं यहाँ पर, ओके ये चार्ट हमें इस तरह से मिल रहा है यहाँ पर, ओके ओके इस तरह से हमारा डेटा जो है मैं शो कर रहा हूँ यहाँ पर, ओके। तो कितना कौन सी चीज़ ज़्यादा महंगी है, तो ये जो है यहाँ पर वाटर लेमन जो है बहुत महंगा है, उसके बाद जो है ये महंगा है। तो चार्ट के थ्रू आप समझा सकते हो कि कितना कहाँ पर ज़्यादा महंगा है, कौन सी चीज़ कम है, ओके। तो इससे आप और अच्छी तरह से आप मेंशन कर सकते हो, लोगों को समझा सकते हो, या तो फिर आप क्या कर सकते हो उसकी जगह और दूसरा कोई चार्ट आप एंटर कर सकते हो, जैसे कि ये है देख सकते हो, इस तरह से भी आप एंटर कर सकते हो, या फिर इस तरह से भी आप एंटर कर सकते हो, ओके इस तरह से भी आप एंटर कर सकते हो लाइन वगैरह। तो सीरीज 3 का मतलब होता है कि सीरीज हमारा जो है यहाँ पर देख सकते हो कि सीरीज 1 के रहा ये 2 और 3 इस तरह से एंटर होता है, ओके। तो इस तरह से आप चार्ट एंटर कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट सीखेंगे चार्ट के बारे में, अभी आपको बेसिक सिखा रहा हूँ, हम एडवांस में अब चार्ट के बारे में सीखेंगे। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव नाइस डे। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, मेरी सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है, और सभी वीडियो को आप लाइक कीजिए। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं अभी थोड़ा सा आपको बेसिक समझा रहा हूँ, हम नेक्स्ट वीडियो में कम्प्लीटली चार्ट समझेंगे। अभी ये बेसिक क्यों है कि आपको पता चले, ओके। तो तब तक के लिए आपको मैं यहाँ पर थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए आप डेटा का, हम नेक्स्ट वीडियो में कम्प्लीटली पढ़ेंगे चार्ट के बारे में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव नाइस डे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा होने के बाद भी मैं एक थोड़ा सा मैसेज देना चाहता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत आपको नए नए वीडियो आते हैं, तो यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए, और सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करना होगा आपको, जिससे क्या होता है कि आपको नोटिफिकेशन मिलती, मतलब एक नया मैसेज मिलता है कि कौन सा मेरा नया वीडियो अपलोड होता है, हर वीडियो के अलग अलग मेरे रीज़न होते हैं, ओके। और हर वीडियो मेरा पार्ट वाइज होता है, तो सभी वीडियो पार्ट वाइज होने के कारण आप यहाँ पार्ट वाइज पढ़ोगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे यहाँ पर, तो ध्यान से देखिए कि बहुत सारे यहाँ पर मेरी प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखी हुई है। तो किस तरह से आपको, आप नए कंप्यूटर में हैं तो आप बेसिक स्टार्टिंग यूजर ये जो है प्लेलिस्ट वहाँ से शुरुआत कीजिए, जिससे कि आपको और अच्छी तरह से समझ में आए। अगर आप नए नए कंप्यूटर में यूज़र हो तो नए कंप्यूटर के यूज़र के अंदर आपको ये पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप विंडो 7 यूज़ करो या विंडो 8 यूज़ करो या विंडो 8.1 यूज़ करो या विंडो 10 यूज़ करो, ये बेसिक स्टार्टिंग जो यूज़र्स होते हैं बेसिक के लिए होते हैं। उसके बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट का ये जो वीडियो होता है ये बेसिक स्टार्टिंग यूज़र्स के लिए, यहाँ पर MS ऑफिस का भी ये मैंने प्लेलिस्ट बनाकर रखा हुआ है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो बेसिक कंप्यूटर लोगों को पढ़ाने वाला होता है, यहाँ पर लोग कंप्यूटर का बहुत ही यूज़ होने वाला होता है, इसके लिए होता है। अब उसके बाद पढ़ने के बाद सॉफ्टवेयर
पढ़िए, सॉफ्टवेयर की प्लेलिस्ट अलग अलग मैंने बना कर रखी है। साथ ही मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने वीडियो बना कर रखा हुआ है, कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने बना कर रखा है यहाँ पर अलग से प्लेलिस्ट। तो यहाँ पर देख सकते हो कि सॉफ्टवेयर जो है यहाँ पर सॉफ्टवेयर का भी मैंने अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना कर रखा हुआ है। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए, तो बेसिक में माइक्रोसॉफ्ट का किस तरह से कितने टाइप की सॉफ्टवेयर होती है उसकी भी मैंने यहाँ पर वीडियो बना कर रखी हुई है, वो प्लेलिस्ट बना कर रखी हुई है यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर फिर वेबसाइट को किस तरह से यूज़ करना है, जैसे कि वेबसाइट कौन कौन सी होती है, ईमेल की कितने टाइप की सेटिंग्स होती है, ईमेल कौन कौन सी होती है, फेसबुक क्या होता है, तो ये जो मिक्स में है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज, तो आपको यहाँ पर फेसबुक की अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जीमेल की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो फेसबुक लोग इस्तेमाल करते हैं, फिर भी उनके फेसबुक अकाउंट हैक होते हैं। और कंट्रोल पैनल भी, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंट्रोल पैनल का, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है। अगर आप ये कंट्रोल पैनल नहीं पढ़ते हो तो आपका 50% कंप्यूटर जो 50% जो कंप्यूटर का जो पूरा कंट्रोल होता है वो कंट्रोल पैनल के अंदर ही होता है। तो ये कंट्रोल पैनल आप पढ़े, वो सभी वीडियो पार्ट वाइज ही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि और भी बहुत कुछ प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए, बेसिक माइक्रोसॉफ्ट से, फिर उसके बाद आप हार्डवेयर पढ़े। और ये जो मैंने अभी प्लेलिस्ट अभी ओपन कर रही है यहाँ पर हो रही है यहाँ पर, ये जो है नेटवर्क का वीडियो है, ये नेटवर्क के सभी प्लेलिस्ट है। तो अगर आप कंप्यूटर के फील्ड में कंप्यूटर हार्डवेयर अच्छी तरह से पढ़ चुके हो, कंप्यूटर हार्डवेयर पढ़ने के बाद आप नेटवर्क में जाना चाहते हो, तो आप नेटवर्क में जाइए और नेटवर्क के बारे में पढ़ कर हमारा कंप्यूटर का इंटरनेट नेटवर्क किस तरह से चलता है। फिर इसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर देख सकते हो कि मैंने कहा कि ये कंप्यूटर हार्डवेयर का वीडियो है। तो नेटवर्क पढ़ने से पहले कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्लीट आपको समझ में होना चाहिए, आपको समझना होता है यहाँ पर। कंप्यूटर हार्डवेयर के बिना आप इस तरह से कोई भी स्टार्ट नहीं कर सकते हो। तो सभी वीडियो मेरे कोर्स जो होते हैं फ्री में है, बाहर आपको पे करना पड़ता है, पैसे देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर फ्री में है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।